व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, ये पतंग वही पतंग है। इस पतंग को पहचान रहे कौन सी पतंग है? ये वही है जिसने चुप्पू ने इसको घुरेद दिया था बहुत बुरी तरीके से वो, ठीक है ना। तो भाई आज हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये पतंग मतलब जो कागज वागज चिपका है इस पर उड़ पाती है या फिर इसका डिसबैलेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। और भाई ऊपर की तरफ काफ़ी पतंगें उड़ रही है, तो पैंचे करते हैं आपको दिखाते हैं। और दोस्तों काइट कटिंग ट्रिक बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे काटनी कैसे नहीं, पूरी लास्ट तक वीडियो देखना, फिर बाद में कहते हो भैया हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों उसको उड़ाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ओ चलिए दोस्तों पतंग को पार करते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ट्रिक के साथ में दूसरे अपोनेंट की पतंग कैसे काटे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बढ़िया पतंग लेनी चाहिए, टूर्नामेंट वाली तो हो ही कम से कम, और मांझा भी अच्छा होना चाहिए, बाकी तो आपकी स्किल काम कर देगी। अगर ये दोनों चीज़ अच्छी है ना, तो भाई अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी स्किल है भाई, इतने में ही काम कर तमाम हो जाएगा अपोनेंट का, ठीक है ना। मेरी पतंग काफ़ी देख लीजिए बच चुकी है, और चक्कर भी पतंग बहुत शानदार लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों क्या मतलब, बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हो जा रही है। और भाई पीछे से पतंग कट के आई है भाई, ये पन्ने की ओ आज तो तबाही उतरेगी भाई दबा करके। चलिए दोस्तों आपको पैसे दिखाते डायरेक्ट। दोस्तों अगर कोई बंदा क्रॉस में है आपके, तो उसकी पतंग कैसे काटे, ठीक है। ये आपको सामने की तरफ मेरी पतंग दिख रही होगी रेड सर्कल में, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। अभी मैं अपोनेंट के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर से पैंच बनाऊंगा, अपोनेंट मेरे नीचे से है। तो भैया ऊपर रख के मैंने अपोनेंट की मैं रख के चलाया, हल्का सा रख के चलाया। दोस्तों अगर मांझा अच्छा है ना, तो इतने में ही काम तमाम कर देगा, कोई ज्यादा आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये इस तरीके से आप काट सकते हो। दोस्तों अभी राइट साइड में अपोनेंट आ गया है पन्नी की पतंग को लेकर के। उसकी पन्नी की जो पतंग है काफ़ी बड़ी पतंग है, एक तवा के आसपास ये पतंग है। हमारे यहाँ पे 25 रुपए की काइट मिलती है, तो हम इसके साथ में भी पैंच लड़ाएंगे। तो इसकी जो मेरी घर की दूरी है बिल्कुल बराबर बराबर पे है, बिल्कुल वो मेरे सामने है, एकदम क्रॉस में उड़ा रहा है। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि भैया अगर हमारे क्रॉस में कोई बंदा उड़ा रहा है तो हम उसकी पतंग कैसे काटें। तो भाई मैं आपको सही बात बताऊं, आपको क्या करना है, आपको ना उसके ऊपर से ही पैंच डालना है। आप अगर नीचे से दाओगे तब भी आपका पैंच थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन अगर आपका मांझा अच्छा है ना, तो आप उसकी 110% काट दोगे। लेकिन अगर ऊपर से जाओगे और मांझा भी ज़बरदस्त है, तो भाई आपको टाइम ही नहीं लगेगा काटने में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अभी वो अपोनेंट क्या कर रहा है, अभी थोड़ा राइट साइड में है, कैमरे के एंगल से परे चलेगी ये दोनों पतंगे हमारी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आएगा तो यहीं घूम फिर के ही, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं पैंच विजिबल तरीके से दिखाऊंगा। कहाँ है यार, आ गया मेरी पतंग तो दोस्तों आ गई है, अब उसकी पतंग का वेट कर रहा हूँ। ये पतंग आ गई उसकी दोस्तों, ओ उसने ऊपर गिर के चलाना सोच रहा था, लेकिन मेरी पतंग साइड में निकलती हुई बचती हुई चली गई भाई। लेकिन अगर वो ऊपर से डाल देता ना, तो भाई टफ हो जाता थोड़ा पैंच। अभी मैं उसके ऊपर की तरफ चला गया हूँ, वो मेरे नीचे की तरफ आ गया, और भैया हवा का नजारा बहुत बढ़िया है। और भैया रख के चलाया उसकी, ओ पोमारा। दोस्तों मैं क्या कह रहा था, अगर रफ्तार अच्छी है ना हवा की और मांझा आपका अच्छा है, तो भैया कुछ नहीं करना, ऊपर से रख के एकदम गहरे गहरे हाथों से चलाओ, बिल्कुल टाइट डोर चलेगी और उसकी छूते ही कटेगी, जैसे कि भाई ऐसे मैंने काटी। दोस्तों रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। तो ये वाला पैंच जो है दोस्तों 400 मीटर की रेंज में है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ में पैंच समझ में आए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम इस वाले पैंच में थोड़ा झटकों का यूज़ करने वाले हैं, अपोनेंट को चकमा देने वाले हैं। अपोनेंट को चकमा कैसे देते हैं वो आइए सीखते हैं। जैसे ही मैं अपना ऊपर का पैंच बनाऊंगा, तो मैं पतंग में भर्रा छोड़ दूंगा। भर्रा छोड़ने का मतलब उसको लगेगा कि भाई कट गई है, और तुरंत झटके मार देने हैं भाई। ये देखिए दोस्तों अपोनेंट के ऊपर गया मैं, ऊपर रख के दोस्तों मैंने पतंग में भर्रा छोड़ा, उसको लगे कट गई है भाई, तुरंत झटके मारे मैंने, और ये भाई बम मारा। यहाँ पर दोस्तों चकमा देने की कोशिश करते रहने चाहिए हमेशा की तरह। तो दोस्तों अगर आपको वाकई में मज़ा आ रहा हो दोस्तों, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके फिर लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना जल्दी से, ठीक है ना। तो रेड सर्कल में मेरी पतंग दिख रही होगी आपको, नीचे की तरफ दो पन्नी की पतंग दिख रही है। तो अभी हम इनकी पतंग काटेंगे, लेकिन कैसे काटें आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी नीचे की तरफ है, तो दोस्तों एक खींच मार के ही काटनी पड़ेगी हमें। अब तक आपने देखा कि अभी हम ढील में और मतलब थपकी में कैसे पतंग काट रहे हैं, अब हम अपोनेंट के नीचे चले गए हैं, अपोनेंट के नीचे गए और दोस्तों खींचा है बाहर की तरफ तेजी से। अगर दोस्तों अपोनेंट की पतंग हल्की है ना आपके अकॉर्डिंग, तो भैया उसको आप कैसी डायरेक्शन में खींच दो वो कटे ही कटेगा। मैं जैसे गया नीचे की तरफ, और भैया मैंने राइट साइड की तरफ खींचा, लेकिन मुझे खींचा नहीं था लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हल्की पतंग हो कैसी खींच दो भाई कटेगी उसी की, ठीक है ना। अगर लेकिन उसकी भारी पतंग है, आपको भी दिख रहा है कि भाई वो मतलब अच्छी पतंग उड़ा रहा है, तो फिर आपको ट्रिक के साथ में काटनी है, ठीक है। दोस्तों ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग आपको सामने की तरफ दिख रही होगी, मेरी पतंग थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको अपनी पतंग भी शो करूंगा। ये वाला पैंच दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त बनने का, क्योंकि आगे की तरफ कोई भी पतंग नहीं है, और हमारी पतंग किसी दूसरी पतंग में रुझने के लिए चांस ही नहीं बनता। तो ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी दिख रही होगी आपको। अब ये अपोनेंट दोस्तों आगे से उड़ा रहा है,
तो ऐसे में क्या करें, हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसकी में खींच मार दें नीचे की तरफ जा करके, या फिर हम ऊपर से गद्दा मार दें, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये पैच बनाना है दोस्तों ढील का, ठीक है। तो अपोनेंट अगर आगे की तरफ है तो भैया नीचे से ही आपको पैच बनाना चाहिए, क्योंकि आपका पैच तभी स्ट्रांग बनेगा। अगर आप ऊपर से पैच बनाओगे तो आपकी पतंग आगे जाके लटक भी सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों उसके नीचे जाके अपनी फंसा करके लड़ाने में। ये मैं उसके नीचे गया लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कहीं ना कहीं भाई उसकी डोर मिलेगी, मुझे नहीं मिल रही भाई, डोर नहीं मिली दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डोर नहीं मिली। अब की बार फिर से कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये मैं अपोनेंट के नीचे की तरफ बड़ा 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 बड़ा, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर जरा सी भी डोर टच हुई ना तो भाई कट जाएगी, तो तुरंत आपको ढील भी देते रहना है साथ साथ में। लेकिन अब भी पैच नहीं हुआ। अब लेकिन मुझे दोस्तों उसके ऊपर जाना पड़ेगा भाई, बिना उसकी बात नहीं बनने वाली। ये मैं अपोनेंट के ऊपर की तरफ निकला, निकल के भैया मैंने यहाँ पे फंसा करके भैया लगाया चक्कर अपनी पतंग में, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे ढील दे रखी है, बहुत शानदार फंसा करके पैच लड़ाया दोस्तों ये। अब दोस्तों सब कुछ यहाँ पे मांझा करेगा क्योंकि पैच फंस चुका है, अब मांझे के ऊपर डिपेंड है भैया। ये देखिए दोस्तों वो मारा भाई साहब, ये मतलब 20 से 25 सेकंड में हमने ये वाला पैच काट दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाया भाई, बम मारा। दोस्तों रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की, अपोनेंट दोस्तों राइट साइड से है, मैं हूँ लेफ्ट साइड से। तो दोस्तों ये वाला पैच जो मैं बनाऊंगा खींच का ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों आज आपको सारे पैच मैं समझाऊं, खींच डील जो भी है। तो मैं अपोनेंट की नीचे की तरफ जाता हुआ, ये मैं अपोनेंट की नीचे की तरफ गया 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 और दोस्तों बाहर की तरफ खींचूंगा, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ खींचूंगा, खींचा 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 खींचा, बम लगा तो साहब क्यों खींचा दोस्तों, अगर राइट साइड में खींचता तो मेरी कटती, ये ट्रिक के साथ मैंने काटा है। तो चलिए दोस्तों अगले पैच की तरफ। तो भैया रेड सर्कल में आपको मेरी पतंग दिख रही होगी, मैं पीछे से हूँ, अपोनेंट आगे से है दोस्तों, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग दिख रही होगी आपको। तो भाई ये वाला पैच दोस्तों मैं फंसा करके लड़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फंसा करके लड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है भाई, उसमें यार उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मैं थोड़ी बहुत ट्रिक का यूज़ करता हूँ तो उसमें काम चल जाता है। ये मैं अपोनेंट के दोस्तों ऊपर से पैच लड़ाऊंगा, ठीक है ना, ऊपर से हाथ रहेगा मेरा। ये मैं अपोनेंट के ऊपर की तरफ चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली, हाँ चला गया हूँ, अपोनेंट मेरे नीचे की तरफ आ गया है दोस्तों, और मैंने पहले से ही अपनी पतंग में ढील चला दी है स्टार्टिंग से ही दोस्तों, बहुत बढ़िया ढील चल रही है। ओ भाई उसका देख कितनी देर चल रहा, ओ तेरी, और यहाँ पे भाई बस दो टच होने की बात है, बम मारा लगा तू साहब, बम मारा, खेल खत्म भाई का। तो भाई रेड सर्कल में मेरी पतंग है, मेरा हाथ ऊपर से दोस्तों, अपोनेंट नीचे से है दोस्तों। ब्लू सर्कल में मैंने अपोनेंट के ऊपर रख के पैच बनाया, यहाँ पे अपोनेंट नीचे से है, और ये देखिए दोस्तों किसी की पतंग नहीं घूम रही है, और बस ऐसी घूमती घूमती मतलब ऐसी टहलती टहलती जा रही है भाई। ये देखिए भाई किसी करती है, अब जा मजाक में बना रहा है, मैंने पैंस ही कोई ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ओ माय गॉड, दोस्तों इस पैच को वाकई में मैंने सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि मैं अपोनेंट के ऊपर से बिल्कुल एकदम ना तो ही चला रहा था अपनी पतंग, ना ही कुछ कर रहा था, बस ऐसी ढील छोड़ दी थी, बस वैसे ही देख रहा था कि मांझा कितना ज़्यादा मजबूत है क्वालिटी में भी। और भाई ये देखिए दोस्तों किस तरीके से अपोनेंट की पतंग मतलब बातों बातों में ही काट दी यार, गजब है यार गजब। दोस्तों काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन होगा कि भाई आज जो आप पैंचे काट रहे थे वो कौन से मांझे से काट रहे थे, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि भाई आपको आना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे मेरे, ठीक है ना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा पे आइए वहाँ पे बात करते हैं आपस में। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना आपको पैंचे कैसे लगे, कैसे लगे और कितना आपको सीखने को मिला, ठीक है ना। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत।